सभी भक्त जनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष विज्ञान भैरव तंत्र के 18वें श्लोक की व्याख्या करने जा रहा हूँ। यह भैरव वाच है, अर्थात भैरव कहते हैं, शक्ति शक्तिम तौर्य द्वद्भेद सर्वदा स्थित अतस्तद्धर्म धर्मित्वात् पराशक्ति ही परात्मनः। अर्थात जो शक्ति है वह शक्ति कहाँ से प्राप्त कर रही है? शक्ति और शक्तिमान का वास्तव में ऐसा भेद नहीं हो पाता है, वो दोनों अभेद ही होते हैं। और जो शक्ति है सदा, वह जो है शक्तिमान के साथ आधारभूत होने के कारण उसके साथ बंधी होती है, उसके साथ वह स्थित होती है। और जो भी जो धर्म है वो धर्मी के साथ युक्त होते हैं, और यह जो है ये शक्ति पराशक्ति के साथ, पराशक्ति ही परात्मनः, और यही जो है आत्मा की पर अवस्था भी कही गई है, यानी शिवत्व भी कहा गया है, यानी पर भैरव भी कहा गया है। कहने का मतलब यहां पर यह है कि किसी भी कार्य को करने के लिए शक्ति की जरूरत होती है, परंतु वह जो शक्ति है वह किसकी प्रेरणा से चलती है, उस शक्ति की प्रेरणा कहाँ से आती है, उसका स्फुरण कहाँ से होता है? तो जिससे स्फुरण होता है वही चेतन सत्ता है, और वह पर भैरव कहा जाता है। तो उसी को, चूंकि शक्ति और शक्तिमान एक से ही होते हैं, जुड़े ही हुए होते हैं, संयुक्त ही होते हैं और अभेद होते हैं, बिना शक्तिमान के शक्ति की कल्पना नहीं होती है और बिना शक्ति के शक्तिमान की कल्पना भी नहीं हो सकती है। तो जो शिव हैं वही शक्ति हैं, शिव शक्ति का संयुक्त स्वरूप है, यानी जो पदार्थ है और जो चेतना है उनका संयुक्त स्वरूप है। चेतन सत्ता की खोज अभी तक वैज्ञानिक नहीं कर पाए हैं, वो जड़ सत्ता में जो शक्ति है उसी को शक्ति मान रहे हैं, और वही वो मान रहे हैं कि बस इसी से सब होता है। परंतु उनको यह भी खोजना होगा कि आखिर यह जो शक्ति जो प्रवाहित हो रही है इसको प्रेरणा कौन दे रहा है, गति कौन करा रहा है। यदि इसकी खोज करते जाएंगे फिर जो उसको प्रेरणा दे रहा है उसको कौन प्रेरणा दे रहा है, आखिर किस प्रेरणा से ये सब चल रहे हैं, तो अंततः जब फाइनल कंक्लूजन में पहुंचेंगे तो एक चेतन सत्ता की मान्यता अपने आप ही सिद्ध हो जाएगी। वही यहाँ पर हैरव जी बता रहे हैं भैरवी को, और उसी को हम पराशक्ति भी कहते हैं, उसी को पर भैरवी भी कहते हैं, उसी को परा भैरवी भी कह सकते हैं। तो जैसे धर्म का धर्मी के साथ संबंध है, शक्ति का शक्तिमान के साथ संबंध है, उसी तरह से जड़ का चेतन के साथ संबंध है, यही वेदांत में भी बताया गया है। और जो सांख्य दर्शन में जो लोग भिन्न बतलाते हैं कि जड़ भिन्न है, चेतन भिन्न है, प्रकृति भिन्न है, पुरुष भिन्न है, ऐसा जो भिन्न भिन्न बतलाते हैं, भिन्न भिन्न वहां शब्द जरूर प्रयोग किए गए लेकिन इनके मध्य संबंध तो हैं, और वे जो संबंध हैं वे ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, उनका समन्वय महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पर यही पर भैरव की जो आत्मस्थिति है
उसके विषय में कहा गया है। तो यह जो परात्मना है, तो आत्म से परे की सत्ता जो है, परमात्म सत्ता जो है, वो यही पर भैरव की आती है। तो इसमें इतना ही। ओम।